क्या पुलिस के निर्देश दिए। ऐसा ये बताया गया है कि 8 बजे के आसपास दो पक्षों में विवाद हुआ है आज शाम को, और उसके बाद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी सारे पहुंच गए थे, और जो इंजर्ड लोग थे उनमें उनको तुरंत इलाज के लिए भेजा गया था। अनफॉर्चुनेटली उसमें से एक व्यक्ति की डेथ हुई है और बाकी जो घायल लोग हैं उनका इलाज चल रहा है। घटनाक्रम के पूरे स्थिति को समझने के लिए प्राथमिक आकलन कर लिया गया है, तो एसपी साहब और उनकी टीम ने कर लिया है, हम लोगों ने भी देख लिया है। इसके साथ साथ CCTV फुटेज और जो आसपास जो कैमरे हैं वो भी एग्जामिन किए जा रहे हैं कि एग्जैक्टली घटनाक्रम क्या हुआ। जैसा कि आपको याद है, आपके संज्ञान में है, तो प्राथमिक जो उद्देश्य था ये था कि क्योंकि दो पक्षों का विवाद था, ये इसका कोई अन्य स्वरूप ना हो जाए, कोई एक बड़े स्तर पर या पूरे टाउन में या पूरे शहर में ये चीज़ ना हो, तो उसको कंटेन कर लिया गया है। विवाद जो आपके सामने ही वो जगह है जहाँ पर विवाद हुआ, वो सारी चीज़ें हो गई हैं। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी सारे यहाँ मौजूद हैं, पुलिस के टिकट्स डिप्लॉय कर लिए गए हैं, पर्याप्त फोर्स डिप्लॉय किया जा रहा है। जो भी अगर कानून व्यवस्था की स्थिति को ख़राब करने की कोशिश करेगा या उसमें किसी तरह के बाधा उत्पन्न करेगा तो उसके विरुद्ध बहुत ही सख्त कार्रवाई की जाएगी। अरेस्टिंग की कोई प्राइमरी सूचना? वो कार्रवाई चल रही है, जैसे आपको देख ही रहे हैं कि पूरी टीमें लगी हुई हैं, तो लगातार वो कार्रवाई चल रही है। सर, 3 दिन पहले भी विवाद सामने आया था, उसमें किस तरह की चोट? उसमें दो क्रॉस, एक दो पक्षों में, एक ही पक्ष के दो व्यक्ति थे जिनमें विवाद हुआ था, नामजद FIR की गई थी।